सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिज्यू गेमर। आज हम फिर से खेल रहे हैं सिकेरी टीजर 3D ईस्टर एग स्पेशल। तो यहाँ पर ना मैंने मिस्टी के वे सारे लेवल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हैं कुछ ईस्टर एग स्पेशल्स, तो उनमें से ही एक है जिसमें हमें इस मिस्टी का जो ये चॉकलेट स्टैचू है इसको मतलब इसी के खिलाफ यूज करना है। वो कैसे करेंगे अभी आपको बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले ये इसको देख रही है, मतलब ये देख रही है कि ये पिघल रहा है, तो ये कहेगी कि एसी ऑन करो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। तो ताकि ये थोड़ा ऐसे पिघले नहीं, इसने फ्रांसिस को कहा है कि एसी को ऑन कर दे। और इस मिस्टी को तो ना हर काम में नुक्स निकालना है बेचारा। ये कितनी मेहनत से फ्रांसिस काम करता है लेकिन फिर भी इसको पता नहीं क्या खड़ूसपन चढ़ा होता है। तो यहाँ पर इसमें लॉक लगा हुआ है और इसमें की हमेशा की तरह ग्रीन है क्योंकि रेड तो यहाँ पर होती नहीं है। और मिस्टी ने मुझे यहाँ पर देख लिया। अरे भाई, अभी तो मैं घर के अंदर एंट्री भी नहीं हुआ और इसने मुझे देख लिया था, लेकिन ये इतने उधर के भाग कर आई कि इतने मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। लेकिन ये फिर से भाई साहब भागो इधर से, मुझे ना जाना है कुछ औजार ढूंढने हैं मुझे। तो यहाँ पर ना बाहर निकलता हूँ, मुझे चाहिए ये रेड सा चाहिए मुझे, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। इससे ना मैं बंद कर सकता हूँ एसी को। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ और उसके बाद ये कहाँ पर है, अब ऐसा करते हैं ना इसको लेकर चलते हैं। मुझे जाना है एसी वेंट के पास जहाँ से मैं उसके टेम्परेचर को ज़्यादा कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर से इस बकेट का भी यूज है तो इसको ले लेते हूँ, और ये रेड की इसका तो यूज है ही, तो इसको भी मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस लॉक में और इसे खुल जाएगा। अब चलते हैं ऊपर। अरे यार, मैं इससे बचकर निकल रहा था लेकिन फिर भी मुझे लग गई। तो अभी ना मुझे जाना है सामने, तो यहाँ पर मुझे इसको यूज़ करना है। तो ये मिस्टी कहाँ पर डोल रही है अभी, ओ ये बाहर ही डोल रही है। मुझे अपना काम फटाक से करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको लगाओ, उसके बाद मुझे इसको करना है और इसको ना कस देता हूँ और इसको घुमा देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सेटअप पे प्रैंक इन द एसी। अब मुझे ना एसी में प्रैंक सेट करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए एक कॉटन वाला पिलो, और वो मिलेगा मुझे आई थिंक बाहर। ये रही इसकी स्टैचू। भाई स्टैचू में भी इतनी खड़ूस लग रही है, ये पिघल रही है, काफ़ी ज़्यादा पिघल गई है वैसे तो। तो अभी ना मुझे क्या करना है कि मुझे ढूंढना है उस फ्रांसिस को। वो फ्रांसिस ना, उसके पास एक पिलो है, उसको मुझे लेना है। तो वो कहाँ पर है, ये तो एक लॉक पिक है, इसका यूज़ देख लेते हैं। अभी तो मुझे उस फ्रांसिस को ढूंढना है। अबे भाई फ्रांसिस के बच्चे कहाँ पर है तू? तो वो ना मुझे लगता है कि इधर साइड होने वाला है, तो इधर भी चेक कर लेते हैं। इधर पे तो गेम रूम मतलब टीवी रूम है, इसमें तो नहीं है। भाई फ्रांसिस किधर गया? ये फ्रांसिस कहीं सो रहा है। लेकिन उससे पहले ना मुझे चाहिए एक पिलो जिसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसके साथ, और वो मिलेगा मुझे यहाँ पर स्विमिंग पूल के पास। ओके, तो वो रखा वो सामने। अब इसको लेकर चलता हूँ मैं, इसको यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ और अब चलता हूँ अंदर। चलो भाई, अरे भाई, अरे यार इसने तो डरा दिया, इतना तकड़ा कोई जंप स्केयर देता है क्या? अब मुझे ये सब दोबारा से करना पड़ेगा। यार ये मिस्टी ऐसे जंप स्केयर कब से देने लग गई, ये तो इतनी खतरनाक नहीं है, अब तो ये हॉरर वाइब दे रही है पूरा। अभी इसका वही चलेगा कि ये मिस्टी इसको देखेगी पिघलना, तो इसको स्किप करते हैं। अब ना ऐसा करते हैं कि जो जो काम मुझे करना है ना वो फटाक से कर लेते हैं। सबसे पहले उठानी है मुझे ये बकेट, उसके बाद चलना है मुझे शेड में और वहाँ से मुझे कुछ सामान उठाना है। तो सबसे पहले शेड में चलो और इधर से उठाना है मुझे सबसे पहले तो ये क्या बोलते हैं इसको, भाई उठा जा। ओके, तो मैंने इसको उठा लिया है, अब इसको भी उठा लेते हैं। तो इन दोनों को ले जाकर ना मुझे उस एसी वेंट पर लगाना पड़ेगा जिससे मैं इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ गया हूँ और जिसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम मुझे अभी नीचे करना है। तो नीचे जाने के लिए मैं ये शॉर्टकट रास्ता चुनूंगा क्योंकि इससे मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। और इधर से बाहर निकल जाओ भाई, इधर से चलते हैं। मैं ना पिलो को भी संग साथ में भी लेकर चलता हूँ जिससे मुझे इस पिलो को भी चेंज करना है उस फ्रांसिस के साथ। तो ये मिस्टी कहाँ पर क्या कर रही है? और यहाँ पर तो हमेशा की तरह लॉक ही लगा होगा, मुझे मालूम था। तो मुझे ना अभी ये पिलायर का निशान आ रहा है, इसका क्या करना भाई? चलो ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे अपना ये काम कंप्लीट करना है, तो इसको इसमें लगाओ, इसको कस देते हैं और इसको चालू कर देते हैं। अब मुझे लाना है पिलो और वो मिलेगा मुझे सामने, तो वहीं पर चलते हैं।
तो यहाँ पर फ्रांसिस देखते हैं कि कौन से वाले रूम में, टीवी रूम में तो मैंने पिछली बार भी देखा था, नहीं है, इस रूम में भी नहीं है, और अभी इस वाले में भी नहीं है। भाई ये कहाँ पर सो रहा है फ्रांसिस? ओके तो ये रहा, इससे ना मुझे पिलो लेना है आराम से ताकि इसको पता ना चल जाए, तो इसको मैंने एक्सचेंज कर दिया है। अब मुझे ना इसको काट कर इसके अंदर से निकालनी है कॉटन, और उसके लिए मुझे चाहिए कोई चाकू टाइप में, कुछ कैंची चाकू तो यहीं पर मिल सकता है। तो ओके ये रखा, तो इसको ना अभी काट लेते हैं और इसके बकेट के अंदर इस कॉटन को ना भर लेते हैं, और इसे डालना मुझे एसी वेंट में। तो अभी एसी पर चलते हैं और उसमें ना इसको फिल कर देते हैं, वो रूम यही नज़दीक में है तो इसके मुझे अंदर जाना पड़ेगा, और एसी की दर पे है सामने है तो इसमें ना इसको फिल कर देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, रन अवे एंड लीव नो एविडेंस। यार मैंने एविडेंस क्या छोड़ा है? पता नहीं, ये कह तो रहा है कि भाग जाना है मुझे अभी, और लेकिन ध्यान रखना है कि मुझे ना कोई एविडेंस नहीं छोड़ना ताकि इस मिस्ट्री को शक ना हो। और ये मिस्ट्री उधर जा भी नहीं रही है, मतलब मैंने मुझे ना आई थिंक ये प्लायर चाहिए, और इस प्लायर का यूज़ कहाँ पर है? अरे यार अब क्या मुझे करना है देखना पड़ेगा अभी। यहाँ पर मैं इस प्लायर को भी ले आया हूँ, इसका यूज आई थिंक यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर नहीं है। अबे ये क्या सीन है भाई, अब मुझे क्या करना है? ए फेंको यार इसको, मुझे लगा कि इसका ही यूज है, आ तो रहा है निशान लेकिन इसका यूज तो है ही नहीं इसमें। यार मैं क्या करूँ अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब सब मुझे ना दोबारा से करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस बार इस प्लायर को मैं सोच रहा हूँ कि पहले ही उठा लूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने ना उसको पहले कस दिया था, तो आई थिंक इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। इसको ले लेता हूँ, और मैं इसको ले लेता हूँ, एक सेकेंड। अबे ये रखा ना वो प्लायर, आई थिंक मुझे इसको यूज़ करना था। यार मैं सब कुछ कर दिया था मैंने पिछली बार, तो कोई बात नहीं, इस बार ना अब सब कुछ फटाक से करते हैं, इन सब को लेकर चलता हूँ और इस एसी वेंट के पास। इन सब को करने के बाद फिर उस पिलो को लाएंगे और अपना ना फटाक से इस प्रैंक को अब कंप्लीट करते हैं। यार काफ़ी टाइम लग गया इस छोटे से प्रैंक को कंप्लीट करने में। और गाइज मैंने ना इसके और बाकी एपिसोड खेले हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पर जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो ये मिस्टी इधर से नीचे आ रही है, मैं थोड़ा घूम कर चलता हूँ। फ्रांसिस से मुझे ये पिलो लेना है लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री में स्पेस है नहीं, और पहले ना मुझे वो भी चाहिए। तो ये मिस्टी मेरे पीछे पड़ गई है, तो इसे थोड़ा पीछा छुड़ाते हैं इधर से ना, ऐसा जंप। यानी मिस्टी चलो ये मुझे देख नहीं पा रही है, तो ये अभी यहाँ से चली जाएगी, थोड़ा वेट करते हैं इसके जाने का। अब लगाता हूँ यहाँ पर ना इसको, सबसे पहले इसको कस देता हूँ, इसके बाद इसको टाइट करना है और फिर इसको कसना है और फिर इसको मुझे कट कर देना है। तो ये करना था मुझे, और अब चलना है मुझे बाहर, उधर से मुझे लानी है वो नकली वाला पिलो जो कि यहीं पर है, मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना। तो ये मिस्टी यहीं पर है यार, शिट ये मिस्टी हर जगह वहीं पर क्यों घूमती है जहाँ पर मैं घूमता हूँ। कोई बात नहीं, अब इस फ्रांसिस से इस पिलो को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बाद अभी इसको लेकर चलते हैं वहाँ पर, मुझे इसको कट करना है और इससे निकालना है कॉटन। तो भाई उठ जा, इसको मैंने कट किया और अब इसे बकेट में भर लेते हैं इस कॉटन को, और अब इसको ना लेकर चलता हूँ मैं उस एसी वेंट में डालने के लिए। सबसे पहले फटाक से चलते हैं उधर, और फिर आई थिंक अपना काम हो जाएगा कंप्लीट। इसको इसमें फिल करो, रन अवे सो मिस्टी डजेंट फाइंड यू, इस बार कुछ अलग लिखाया है। तो अभी मुझे बस यहाँ से जाना है और थोड़ा वेट करता है इस मिस्टी के आने का, तो ये जस्ट अभी आती ही होगी। ओके तो यहाँ पर प्रैंक स्टार्ट हो चुका है, ये मिस्टी कह रही है काफ़ी गर्मी पड़ रही है और ये भागकर देखेगी क्योंकि इसका जो स्टैचू पिघल गया पूरा। ये कह रहा कि एसी को ऑन कर, इसने एसी ऑन की, ये चॉकलेट में सनी हुई है, अब इससे सारे फैदर इसके चिपक जाने वाले हैं, और ये बन चुकी है पता नहीं क्या बन चुकी है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।